तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी नया रेपो जो है रेपोजिटरी बेसिकली काली लिनक्स में ऐड कर सकते हैं। काली लिनक्स का जो सबसे हैवी वर्जन जो अभी रिलीज हुआ हाल ही में, उसमें कोई भी रेपोजिटरी ऐड नहीं था पहले से, तो उसको ऐड करना पड़ा। तो हम बेसिकली आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी टर्मिनल खोल लेना है, और उसके बाद आपको जाना है एक जगह पे जिसका नाम है, पहले लिस्ट देख लेते हैं किस में जाना है। रुक जाइए एक मिनट। हाँ, आपको जाना है etc/apt। देखिए यहाँ पे है, तो उसके लिए जाने के लिए आपको करना है cd कमांड चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद /etc/apt टाइप करना है। सॉरी, यहाँ ctc हो गया, etc/apt, उसके बाद हो गया, उस डायरेक्टरी में आ गया। उसके बाद ls कमांड से हम देखेंगे यहाँ पे सोर्स डॉट, उसके बाद नैनो टाइप करके बेसिकली हमको उस फाइल को खोलना है। तो उस फाइल को हम बेसिकली कॉपी कर लेंगे, सोर्स डॉट लिस्ट करके जो है कॉपी कर लेंगे और उसको वहाँ पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद उसको एंटर कर। अरे यार, हम नैनो की जगह नोनो टाइप कर दिए थे। उसके बाद इसको फिर से पेस्ट करते हैं, उसके बाद खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हम दोबारा दो रिपोजिटरी ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले कोई भी रिपोर्ट नहीं था पहले। तो इसको और हम एक रेपो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे सिंपल सा, इसको खुला रहने देंगे और हम कोई रेपो ढूंढते हैं पहले। सिनेप्टिक रेपो ढूंढते हैं, अरे यार हम कौन सा रेपो डाले, रुक जाइए पीछे जा, apt, अरे यार Debian repository। रुके, पहले हम एक रेपो ढूंढते हैं, उसके बाद देखते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो एक रेपो मिला है हमको, तो देखेंगे वो रेपो। ये है, दो रेपो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, लेकिन तीसरा रेपो हम ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए, ये रेपो है, तो हम बेसिकली इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, और इसको बेसिकली ये जो कमांड है echo, ये apt सोर्स लिस्ट, ये भी वही करता है जो हम मैनुअली कर रहे हैं। ये भी डायरेक्ट उस फाइल में राइट कर देगा इस चीज़ को, और हम डायरेक्ट उसको हम मैनुअली एडिट करके यहाँ पे जो है सो बेसिकली पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस फाइल में CTRL प्लस उसे राइट आउट कर देंगे, उसके बाद एंटर मार देंगे, लिखा हुआ रोड 12 लाइंस नैनो टेक्स्ट एडिटर में। तो अब तीसरा मतलब रेपोजिटरी ऑन हो गया, मतलब ऐड हो गया, और देखते हैं और भी कोई रेपो ऐड है इसमें है या नहीं। और मेरे ख्याल से यही तीन रेपो काफ़ी है। तो उसके बाद करना यह है कि न्यू विंडो ओपन करना है, और यहाँ पे टाइप करना है sudo apt-get update,
और इसको होने देना है बेसिकली। अगर ये नहीं कीजिएगा तो फिर आपका ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। तो देखिए हो गया, और उसके बाद आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। देखिए तीन रेपो का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तीनों जो जो ऐड किए हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे अब कुछ इंस्टॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे sudo apt get install synaptic। देखिए सिनेप्टिक 14 MB का हम चाहे तो उसको मतलब ऐड कर सकते हैं। हम वाई डालेंगे, इसका एंटर करेंगे तो सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर बेसिकली इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।